सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। वैसे तो हमारे शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन खाने से हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंच सकता है। इससे लॉन्ग टर्म डिसीजेस की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा विटामिन लेने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, जो यूरिन के जरिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल हैं, जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। और इन विटामिन्स के ज़्यादा होने से अंधापन, हड्डियां कमज़ोर होना, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी की गोलियां लेने से हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारे शरीर में खुजली, पीलिया और अस्थमा के मरीजों में अटैक की आशंका बढ़ जाती है। विटामिन डी के ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर में कैल्शियम का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरक्लेमीशिया कहते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन, बेहोशी के साथ किडनी में भी खराबी आ जाती है। आपको बता दें कि विटामिन डी की ज़्यादा खुराक दिल की बीमारी का खतरा दुगना कर देती है। एक सर्वे में पता चला है कि जिन लोगों के ब्लड में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, उनमें हार्ट अटैक का खतरा 2.8% ज़्यादा होता है। इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से आयरन के छोटे छोटे टुकड़े शरीर में जमा हो जाते हैं, और जो हमारा शरीर विटामिन B12 को कम एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसके चलते खून की कमी दिखने शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर विटामिन की कभी कमी नहीं है तो आपको इन गोलियों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग मल्टीविटामिन लेते हैं और लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और ना ही कोई टेस्ट कराते। इसकी वजह से अनजाने में वो कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शिवानी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।